Hello students, good morning. My name is Akshi Patel and today I am going to teach you English subject for standard 5th. And now I am going to teach you unit 1, boundless nature. Boundless nature, that means nature with no any limitation. And here they have given us activity 1 for pre-task. Nature is boundless in its rich resources. Man uses these resources to create wonders. Identify these natural resources and discuss their usefulness with your partner. तो यहाँ पे first, second और third image में हमें तीनों resources दिखाए गए हैं जो कि natural है. तो तीनों के तीनों image को हमें study करके उसके usefulness क्या है वो हमारे partner के साथ discuss करने हैं. First picture में जो natural resources है वो sun है, second में windmill है, third में water sources है. इसीलिए आज हम क्या करेंगे कि जो ऐसे वाटर सोर्सेस है तो वो वाटर सोर्सेस के साथ लर्न करके ऐसे उसके यूजफुलनेस देखेंगे. सन, द सन क्रिएट्स टू मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी, लाइट एंड हीट. सो फ्रॉम द सन वी हैव क्रिएटेड सोलर इलेक्ट्रिसिटी, सोलर बैटरी, सोलर ट्रांसपोर्टेशन. So there are so many uses of the sun. Second is the wind. Wind energy is very useful for mankind. Though it is natural, so it is very beneficial, and without any charges we have generate wind power, and also we are using for pumping water to grind meal. So here I have made some points regarding the wind energy to generate wind power. Second, in food production, and third, for pumping water. So wind energy is very useful for the mankind, and in third image there is the picture of water sources. These points are related to water sources, how water is beneficial for mankind in agriculture, for industries, for household work, to generate hydroelectricity. Okay, now this type of usefulnesses you can communicate with your partner. Here they have given activity 2. Read the following passage carefully. The story of an orange. हम हर एक टाइप के फ्रूट्स को हमारे डेली डाइट में यूज करते हैं, जैसे बनाना, एप्पल, ऑरेंज. तो एक बार मुझे याद आया कि जो ऑरेंज होता है वो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ. तो जो स्टोरी है ऑरेंज की, वो जो हमारा लेसन है, तो हम उसके डिफिकल्ट वर्ड के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं. तो ये है हमारे पास द स्टोरी ऑफ एन ऑरेंज के कीवर्ड्स. ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस बिटवीन टू कंपनीज और कंट्री. तो दो कंपनी या कंट्री के बारे में जो भी चीज़ों के बिजनेस की बात होती है उसको ट्रेड कहा जाता है. मैंडरिन, अ स्मॉल एंड स्वीट टाइप ऑफ ऑरेंज. तो वो ऑरेंज की एक स्मॉल और स्वीट टाइप की ऑरेंज का नाम है मैंडरिन. मार्मेलेड, अ फूड आइटम मेड विथ ऑरेंज. तो जो ऑरेंज का यूज करके जो फूड आइटम बनाई जाती है उसको कहते हैं मार्मेलेड. पील ऑफ, टू टेक ऑफ स्किन ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल. तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो छिलका हम निकालते हैं ना, उसको, उसकी स्किन निकालना, उसको कहते हैं पील ऑफ. अब हमारी जो ऑरेंज की ओरिजिन की जो स्टोरी है उसके बारे में हम लर्न करेंगे. Nobody knows exactly from where the orange came.
Though Southeast Asia is thought to be its first home, तो ऑरेंज को कहाँ से आया उसके बारे में तो कोई नहीं जानता है, जबकि साउथ ईस्ट एशिया वो उसका फर्स्ट होम माना जाता है। बट टुडे इट इज ग्रोन इन मोस्ट ऑफ द वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन आज क्या होता है कि वो जो हमारे कंट्री के वार्मर पार्ट्स है, कौन से वार्मर पार्ट्स है, वहाँ पे वो ग्रोन किया जाता है। द ग्रीक्स एंड रोमन्स न्यू अबाउट द ऑरेंज। तो ग्रीक सिविलाइजेशन थी एंड रोमन सिविलाइजेशन थी, तो वो पहले से ही ऑरेंज के बारे में जानते थे। इट इज पॉसिबल दैट द ऑरेंज वॉज कैरीड फ्रॉम इंडिया टू वेस्टर्न एशिया एंड देन टू यूरोप। तो ऐसा माना जाता है कि पहले जो ऑरेंज था वो इंडिया से वेस्टर्न एशिया और उसके बाद यूरोप ले जाया गया। टुडे द ऑरेंज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेश फ्रूट इन इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, ऑरेंज है वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक इम्पॉर्टेंट फ्रेश फ्रूट माना गया है, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। द थ्री चीफ काइंड्स ऑफ ऑरेंजेस आर द स्वीट और कॉमन ऑरेंज, जो मीठा और जो कॉमन ऑरेंज होता है वो। सेकेंड है तो मैंडरिन ऑरेंज, सेकंड हमने देखा था कीवर्ड्स में, मैंडरिन ऑरेंज होता है वो स्मॉल और स्वीट टाइप होता है। एंड द सॉर और बीटर ऑरेंज, जो थर्ड होता है काइंड, वो सॉर दैट मीन्स खट्टा और बीटर कड़वा ऑरेंज होता है। ऑफ दिस द स्वीट ऑरेंज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड काइंड देखा, उसमें जो स्वीट ऑरेंज है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ आफ्टर 3 years दैट द ट्री बेयर्स फ्रूट। तो ऑरेंज का जब भी हम ट्री उगाते हैं तो उसमें 3 years के बाद उसके फ्रूट आने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमने फ्रूट लगाया और कल हमें फ्रूट मिल जाए, ट्री लगाया कल फ्रूट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। जबकि हम वो उसका ट्री होता है उसको 3 साल का टाइम ड्यूरेशन लगता है। An interesting kind of sweet orange is called the blood orange। जो sweet orange है उसको blood orange भी कहा जाता है, वो बहुत ही interesting kind है। Its pulp is deep red in color। तो उसका जो पल्प होता है वो कैसा होता है, कलर में डीप रेड होता है, पल्प कहते हैं, फ्लैश कहते हैं। एंड इट इज ग्रोन इन द मेडिटेरियन रीजन। तो वो जो मेडिटेरियन रीजन होता है, मेडिटेरियन सी के आसपास की जो प्लेसेस में उगाया जाता है, जैसे कि स्पेन है। द टेम्पल इज एन ऑरेंज विथ अ थिन लूज स्किन। तो दूसरा एक ऑरेंज का काइंड है टेम्पल ऑरेंज। उसमें क्या स्पेशलिटी है कि उसकी जो स्किन होती है वो थिन और लूज होती है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ द मैंडरिन एंड द स्वीट ऑरेंज। तो वो मैंडरिन और स्वीट ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है।